अयोध्या में इस बार भी दिवाली के मौके पर विहंगम तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटी दिवाली पर पीएम मोदी खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस मौके पर सरयू किनारे लाखों दिए जलाने की तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है। छोटी दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली दिव्य और भव्य होने वाली है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं और उससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। ओपन रहेगा या फिर कोई धूप तेज रहेगी, इस स्टूडियो में क्या करेंगे? सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी मौजूदगी अब उस राम की पैड़ी पर है जो 23 तारीख को इतिहास रचने वाली है। 17 लाख दिए जलने वाले हैं सरयू घाट प्लस इस राम की पैड़ी को मिलाकर। उससे पहले तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो साफ सफाई का काम यहां पर शुरू हो गया है। जो घास यहां पर आप देखेंगे, जो ज्यादा निकली घास थी उसको हटाने का यहां पर काम चल रहा है। और पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि तस्वीरें कि किस तरह से साफ सफाई का काम पूरे पैड़ी को साफ किया जा रहा है। अब आप अगर इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे दिखेंगे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको कई सारी कलाकृतियां दिखेंगी। थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर नजर आएंगे, प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर लेजर का शो होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो ये पूरी तैयारियां यहां पर करी गई। हालांकि अभी दीप जलाने का रिहर्सल भी होना है। जो वॉलंटियर्स हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं तमाम कॉलेजेस के, वो भी यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको अयोध्या में पीएम मोदी का पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। 6:30 सरयू जी के नए घाट पर आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 7:30 ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। इस बार अयोध्या की दिवाली को खास बनाने के लिए रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांटा गया है। विदेशी कलाकार भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार भी होंगे। 12 लेजर शो इस बार आयोजित हो रहे हैं। पहले 11 झांकियां होती थी, इस बार 14 झांकियां होंगी। सीएम योगी ने इन्हीं सारी तैयारियों का जायजा लिया है। पहले से बिठाने की व्यवस्था कर ली है, ये मंच थोड़ा पीछे कर रखा है, इसको यहाँ की बजाय थोड़ा वहाँ की सीढ़ी के पास कर लेके चले जाएंगे, तो आम लोगों को बैठने के लिए। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक।